यशस्वी जायसवाल के किए हुए कारनामे से आप सब अच्छे से वाकिफ होंगे। जी हाँ, आईपीएल 2023 में 21 साल के यशस्वी जायसवाल बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ ऑरेंज कैप हासिल करने में सिर्फ अब एक कदम दूर रह गए हैं। यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल 2023 के 12 मैचों में 52.27 की औसत से 167.15 के स्ट्राइक रेट से 575 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 75 चौके और 26 छक्के निकले हैं। गुरुवार यानी कि 11 मई को यशस्वी जायसवाल ने अपनी विस्फोटक पारी से कई दिग्गजों को प्रभावित किया। यशस्वी की धमाकेदार पारी को देख विराट भी हैरान थे। केकेआर के खिलाफ 21 साल के यशस्वी ने सिर्फ 13 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। ये आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक था। आपको बता दें कि फिलहाल ऑरेंज कैप रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान फैफ डुप्लेसी के पास है। फैफ डुप्लेसी 575 रनों के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। वहीं यशस्वी उनसे सिर्फ एक रन पीछे हैं और लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पर मौजूद शुभमन गिल इन दोनों ही बल्लेबाजों से बहुत पीछे हैं। उनके नाम अभी 469 रन हैं। भले ही आरसीबी के कप्तान फैफ डुप्लेसी के पास अभी ऑरेंज कैप है, लेकिन यशस्वी जायसवाल से सिर्फ एक रन आगे हैं। हालांकि अगर बैंगलोर की टीम प्लेऑफ्स में नहीं पहुंचती है तो फैफ को अब सिर्फ 3 मैच ही खेलने हैं। वहीं यशस्वी की राजस्थान का प्लेऑफ्स में पहुंचना तय माना जा रहा है। ऐसे में उन्हें फैफ से ज्यादा मैच खेलने का मौका मिलेगा। इस वजह से यशस्वी इस सीजन ऑरेंज कैप जीतने के प्रबल दावेदार हैं। आईपीएल 2023 में अब तक सिर्फ 3 बल्लेबाजों ने शतक लगाए हैं। इसमें यशस्वी जायसवाल का नाम भी शामिल है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ यशस्वी ने 124 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी। वहीं केकेआर के खिलाफ यशस्वी ने नाबाद 98 रनों की पारी खेली। इस सीजन यशस्वी के अलावा वेंकटेश अय्यर और हैरी ब्रूक ने शतक जड़ा।